बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ करते हैं जी आज की रेसिपी का आगाज़। आज हम बनाने जा रहे हैं जी सर्दियों गर्मियों की बेहतरीन सौगात, तरबूज का शरबत। ठंडा ठंडा मज़ेदार और रिफ्रेशिंग तरबूज का शरबत, बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पहली रेसिपी की तरह बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है। तो चलिए नाज़रीन, हम लोगों को स्टार्ट। हमने ले लिया है जी एक अदद तरबूज और उसको हम काशों में काट लेंगे, यानी कि हम उसके कतले बना लेंगे, उसकी फांके बना लेंगे। और फांके बनाने के बाद हम उसको रखेंगे एक अदद बाउल में। ये देखिए जी नाज़रीन, हम अपने तरबूज को काट रहे हैं और काटने के बाद हम उसके उसकी फाड़ियाँ बना ली हैं और उसको सब तरबूज को हम अच्छी तरह से उसका गुद्दा साफ़ कर लेंगे, उसकी काशे अलहदा कर लेंगे और उसको बाउल में रख लेंगे। उसके बाद हम लेंगे जी एक अदद जग, ब्लेंडर जग, और हमने जो तरबूज काटा था उसकी तमाम काशे और उसके तमाम पीसेस हम जग में डाल देंगे। और डालने के बाद और इसमें हम डालेंगे जी पुदीना, थोड़ा सा पुदीना डालेंगे और साथ में हम इसमें हाफ टी स्पून इसमें काला नमक ऐड करेंगे। सिर्फ दो चीज़ें हम के साथ हम आज सबको शरबत बनाना सिखा रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार शरबत है और आप लोगों ने इसको लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए नाज़रीन, हमने उसको कर लिया ब्लेंड और हमारा शरबत होने पर बन चुका है बिल्कुल तैयार। और हम उसको डिशआउट कर रहे हैं, हमने क्लासेस उसको डाल दिया है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप लोगों को मेरा आज की रेसिपी वाला शरबत कैसा लगा। इसके साथ अपने मेज़बान ज़मीना अंजुम को इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक अपना रखें ढेर सारा ख्याल, दुआ में रखें याद। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।